शेरावाली दा जयकारा माजवाला जी दा पहले तो मैं पूरे शहर वासियों की मुबारक दिना। नवरात्रे चल रहे हैं, सारे शहर वासियों को नवरात्रे की बड़ी बड़ी मुबारक है। तो साढ़े इतने वार्ड नंबर 13-14 भी बड़ा एक अच्छा माहौल है। सरदार उजागर सिंह गिट्टा जी इतने नवरात्रे का 19वां विशाल भंडारा करेंगे 19 नवंबर को। 19 साल हो गए इन्हों एक इसी तरीके मनाते हुए नवरात्रे का एक बड़ा वड्डा त्यौहार मनाते हुए, और बड़ा मुश्किल होता एक बार तुम मना लेंगे हो, पर 19 साल उन्होंने कंटिन्यू रखना एक बड़ा मुश्किल है। सारे कठुआ वासियों की और सारे शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 14 के वासियों की असं अपील करके कि तन मन धन नाल इनकी सहायता करन और 19 नवंबर में विशाल भंडारे च आके अपना सहयोग दें। थैंक यू। उजागर सिंह किट्टा और उनके साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे मेरे साथियों ने बोला कि 19 साल से लगातार ये निरंतर ये हर साल ये प्रोग्राम बना रहे हैं, और किसी लड़ी को चला के रखना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इनके साथियों के अंदर जो डेडिकेशन है, जो अपने आस्था के साथ काम करते हैं, मैं फिर इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और लोगों को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि धन से हर काम, पहले धन चाहिए उसके बाद दूसरे भंडारे भी लगेंगे, जागरण भी होगा। इसलिए जितने भी कठुआ के हमारे लोकल लोग हैं, इन सबको मैं अपील करता हूं कि इनको धन मन धन से इनको सहयोग दें ताकि सुजज्जे ढंग से ये काम कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा सावन चक का जो एरिया है, दो जो हमारे यहाँ के लोकल जो वार हैं, यहाँ पर हर साल कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रहता है। पिछले दिनों भी आपने देखा, हर समय ये जो हमारा तालाब वाला मंदिर है, शिव मंदिर जिसको हम कहते हैं, भगवान शिव जी का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था हर साल नवरात्रों में भी रहती है, उससे पहले भी रहती है। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक हर साल एक भव्य जागरण का आयोजन होता है, और इस बार 19वां जागरण फिर से होने जा रहा है, जिसके हमारे उजागर सिंह किट्टा जी जो इनकी पूरी टीम है, इनकी तरफ से ये आयोजन हर साल रहता है शिव मंदिर वेलफेयर कमेटी की तरफ से। तो आज उसका ध्वजारोहण हुआ है, और मैं अपनी तरफ से इनकी जो पूरी कमेटी है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 19वां ये जागरण है और 21 नवंबर को ये जागरण रहेगा, और 21 को ये जागरण रहेगा, और 19 को ही
19 नवंबर को यहाँ पर भंडारा का आयोजन रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही भव्य जागरण का आयोजन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हर समय इन यहाँ की जो कमेटी है इनकी तरफ से रहता है, और हम सब लोगों को इनका हमेशा से ही सहयोग करना चाहिए, और हमेशा जो लोकल लोग हैं इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और बहुत भव्य जागरण का आयोजन ये यहाँ पर करते हैं। तो इस बार भी इनका ये जागरण जो है भव्य तरीके से संपन्न हो और माता रानी इन पर ऐसे ही आशीर्वाद जो है बनाए रखे। और सबसे बड़ी बात जो इस शिव वेलफेयर जो हमारी मंदिर की जो कमेटी है, एक सिख नौजवान होते हुए भी इस हिंदू में हिंदुओं के जो हमारे देवी देवता हैं उन पर पूरी आस्था रखना और कहीं ना कहीं एक पूरा एक भाईचारे का एक संदेश हमारे शास्त्री नगर के और सावनचक के लोगों की तरफ से हमेशा रहता है। मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे कार्यक्रम, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जो है वो हमेशा ये जिस प्रकार से करते आए हैं करते रहें, ताकि आने वाली जनरेशन जो हमारी है, हमारी जो बच्चे हैं, उनको भी पता चले कि किस प्रकार से एक भाईचारे को निभाते हुए हमको इस आस्था के साथ जुड़ते हुए इस देश को, इस हमारी जो संस्कृति है उसको और बढ़ाना है। अपनी तरफ से एक बार फिर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ माता रानी की योग जो ज्योत हमने यहाँ सबने मिल के यहाँ जलाई, ये जो हर साल की तरह पूर्णिमा जागरण और सरदार उजागर सिंह, सचिन शर्मा और यहाँ के स्थानीय सरदार महेंद्र सिंह जी, सलाथिया जी, बाकी मेरे भाई जितने भी पूरी उनकी टीम, ये जो हर साल की तरह यहाँ बहुत बड़ा एक जागरण किया जाता है माता रानी का, और पूर्णिमा जागरण 19 तारीख 19 नवंबर माता रानी का प्रसाद भंडारा, और 21 तारीख को नवंबर को ये बहुत बड़ा एक विशाल जागरण यहाँ होगा। ये हर साल की तरह उजागर सिंह और उनकी टीम ये जो धार्मिक प्रोग्राम हर संस्था, इसी को भाईचारा कहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में है भाई भाई, और यही भाईचारे की एक निशानी है। हर कौम के लोग, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इस करिए ऐसी सारे लोगों अपील करने हैं, ये मुल्क सैकुलर और इस मुल्क च भाईचारे कन्नै सारे रली मिलियै रौह्न, और वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 सड़क दे आर पार और पूरा शहर इस जगराते दिखण, एक भाईचारे निशाने दिखण। इन्ना गलांदे मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज कठुआ का जो पुराना इतिहास रहा है कि जिसमें ये सावन चक हुआ करता था, जिसमें आज वार्ड नंबर 14 में जो झंडे का हमने यहाँ पर झंडे की प्रज्वलन किया और ज्योति को जगाया, और साथ ही में वार्ड नंबर 13, ये एक ही चीज़ थी, सावन चक कहा जाता था, और इसकी रवायत उजागर सिंह किट्टा और सचिन शर्मा जी और उनके साथी जो उनकी टीम है, इन्होंने 19 साल हो गया इस रवायत को चलाते हुए। बहुत बड़ी बात होती है, रवायत को शुरू तो कर लेते हैं मगर उसको निभाना एक बहुत बड़ा काम है। मैं इनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इस रवायत को कायम रखा, और 19 नवंबर को जैसे बताया जा रहा है कि उस दिन जहां भंडारे का आयोजन होगा, और 21 नवंबर को माता का जागरण होगा। ये हमेशा सरप्राइज रहता है कि उस दिन कौन सा सिंगर यहाँ पर बुलाया जाए, आज तक इसको सरप्राइज रखा हुआ है, और उम्मीद है कि एक अच्छे वक्ता को सुनने को और गाने को मिलेगा यहाँ पर। और उस दिन ज्वाला जी से ज्योत भी ये वहाँ से लाते हैं, और उसके बाद जागरण का शुरू निवारण शुरू किया जाता है। तो मैं कठुआ के आवाम को और हमारे वार्ड नंबर 13 और 14 के साथियों को ये एक निवेदन ही करूंगा कि इनका हमें समर्थन देना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए,
ताकि जो रिवायत को इन्होंने कायम रखा है उसको रिवायत का हम भी साथी बने, हम भी भागीदारी बने। तो मेरी कठुआ निवेदन से, कठुआ के आवाम से निवेदन है कि जो जग भंडारा होगा और जो माता का जागरण होगा, जैसे नरेश शर्मा जी ने कहा है कि हम एक सेकुलर के रूप में देखते हैं इसको, जैसे सरदार सिख हिंदू मुस्लिम जितने भी साथी हैं हमारे, कठुआ का एक भाईचारा आज से नहीं पूरी उम्र से यहाँ पे कठुआ में एक भाईचारा रहा है और रहना भी चाहिए। इसमें कतई दो राय नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होती है, मगर ऐसी चीज़ों में सब लोग, जैसे हम यहाँ पर भी आपको दर्शन दे रहे हैं कि सभी हमारे साथी डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से आते हैं, मगर हमारा मकसद एक रहता है कि जो भी एक सेकुलर चीज़ हो उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मेरा यही है कि हम इस भंडारे को, इस जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ तक अपनी रीच को रखें और इस जागरण को एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश करें। जय हिंद।